अब की दिवाली में इको फ्रेंडली थीम पर रंगोली सिखाया और घर के कटोरी और थाली की सहायता से जो बच्चे बहुत ड्राइंग अच्छी ना हो वो भी इसे आसानी से बना सके, इसको ध्यान में रखते हुए ये रंगोली बनाई गई है। चावल को फेविक्रिल कलर को ब्रश में लगा करके थोड़ा सा पानी की सहायता से चावल को कलर किया गया है और दाल चने की दाल ली गई है। इस तरह से हम और भी कलर से कलर करके हम बना सकते हैं, मूंग की उड़द की दाल, मूंग की दाल, हरा हरा वो लगाया गया है बीच में। इस तरह से हम इको फ्रेंडली रंगोली बना सकते हैं। ब्रश की सहायता से कलर इसलिए किया गया है कि ताकि ये जब हट जाए, झाड़ू लगे या पोछा लगे या कुछ भी, तो एटलीस्ट जो पेंटिंग का कलर है वो बना रहे, रंगोली काफ़ी दिन तक, कुछ दिन तक चले। फेविक्रिल कलर में थोड़ा सा फेविकोल लगाया गया, ये देखिए लग रहा है फेविकोल में कलर मिलाया जा रहा है और फिर उसे ब्रश की सहायता से बनाया जा रहा है। ब्रश को बनने के बाद पानी में डालते जाएं, नहीं तो ब्रश ख़राब हो जाएंगे, फेविकोल से चिपक जाएंगे। देखिए येलो कलर किया गया है और रेड कलर किया गया है चावल को। पिंकिश कलर है, एकदम से रेड नहीं है। इस तरह से हम इको फ्रेंडली बहुत तरह से तरह तरह के डिज़ाइन हम बना सकते हैं। आटा वाइट जो पेंट लग रहा है उसकी जगह आटा भी यूज कर सकते हैं। आटा, चावल, दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, उड़द की खड़ी दाल, इससे भी हम बना सकते हैं बिना कलर किए हुए भी। तरह तरह के केवल दाल से भी हम बना सकते हैं, केवल चावल को भी कलर करके। देखिए फेविक्रिल का ये ट्यूब था वाइट कलर का, इसमें फेविकोल डाला जा रहा है और कैसे बनाया जा रहा है, कैसे पानी डाल के इसको घोला जा रहा है, हल्का सा देखिए ब्रश की सहायता से घोला जा रहा है। इस तरह से अब की प्रदूषण मुक्त दिवाली मनाने का प्रयास किया है हमने, अपनी संस्था के माध्यम से संदेश दिया है कि इको फ्रेंडली होली दिवाली मनाएं और पटाखे भी कम करें, प्रदूषण धुआं रहित जलाएं। ओके, बाय बाय।